हेलो स्टूडेंट्स, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आवर फोर एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डायनेमिक्स ऑफ मशीन। द रेस्ट फोर एक्सपेरिमेंट्स आर फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स लैब। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज़ टू मेज़र सरफेस टेंशन, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, सो द टाइटल ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ टू मेज़र द सरफेस टेंशन ऑफ द गिवन लिक्विड बाई कैपिलरी राइज मेथड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना विच अकर्स ड्यू टू द कोहेशन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, एज इन द राइटअप यू कैन सी दैट दीज आर द कोहेसिव फोर्सेज। कोहेसिव फोर्सेज ऑफ द मॉलिक्यूल अकर्स बिटवीन द सेम नेचर्ड मॉलिक्यूल, मीन्स द फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द सेम नेचर्ड मॉलिक्यूल इज द कोहेसिव फोर्स, एंड बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर द एडहेसिव फोर्स। सो द बेसिक रीजन ऑफ द सरफेस टेंशन इज द कोहेशन एंड एडहेसन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, सो हियर वी कैन सी दैट दीज आर द कैपिलरीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर। वी हैव 2 mm डायमीटर कैपिलरी, 2.5 mm डायमीटर कैपिलरी, एंड 6 mm डायमीटर कैपिलरी। इन कैपिलरी वी हैव दिस इज़ लाइक द कैपिलरी। कैपिलरी मीन्स अ ट्यूब ओपेंड एट बोथ द एंड्स, ट्यूब ओपेंड एट बोथ द एंड्स, एंड वी हैव स्केल हेयर सो दैट विद द हेल्प ऑफ स्केल वी कैन राइज, वी कैन कैलकुलेट, वी कैन चेक द राइज ऑफ द फ्लूड इनसाइड द कैपिलरी। ओके, सो वी हैव टेकन क्लीन वाटर हेयर, क्लीन वाटर एंड ग्लास ट्यूब मॉलिक्यूल। ओके, क्लीन वाटर एंड ग्लास ट्यूब हेयर वी हैव टेकन। सो नाउ वी विल अटैच आवर कैपिलरी लाइक दैट। सो वी हैव अटैच्ड आवर कैपिलरी। ड्यू टू कोहेशन एंड एडहेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल, ड्यू टू कोहेशन एंड एडहेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल, एडहेशन फोर्स विल अकर बिटवीन द कैपिलरी मॉलिक्यूल एंड द वाटर, एंड वी कैन सी दैट देर इज राइज इन द वाटर इन साइड द कैपिलरी। दिस राइज इज अकरिंग बिकॉज द एडहेशन फोर्स इज मोर एज कम्पेयर टू द कोहेशन फोर्स। एडहेशन फोर्स मीन्स द फोर्स बिटवीन ग्लास मॉलिक्यूल एंड वाटर इज मोर एज कम्पेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल। If we have taken the mercury and glass molecule, then in that case we have the cohesion force larger as compared to adhesion force. So we can observe the capillary dip in case of mercury and glass tube molecule. Okay, so here with the help of that one we can measure the rise, and with the help of that rise we can calculate the surface टेंशन। ओके, विद बाई यूजिंग द फॉर्मूला सर्फेस टेंशन वी कैन मेजर द सर्फेस टेंशन। बाई चेंजिंग द कैपिलरी ट्यूब वी विल फाइंड द चेंज एज द डायमीटर चेंजेस, एज द डायमीटर चेंजेस द राइज इन द कैपिलरी चेंजेस। इफ यू हैव टेकन द 6 mm डायमीटर कैपिलरी, सो द राइज विल बी लो because the diameter is large, so the rise will be low. The maximum limit is 6 mm diameter, means if we have taken the capillary more than 6 mm diameter, then we cannot measure the surface tension with the help of capillary. So you can see that the rise is less. So by measuring this rise we can calculate the surface tension. Okay, so here in the manual you can see that this is the diagram with the help of which one we can calculate the surface tension by using the capillary rise. G 9.81 we will take. A is the diameter or area of the capillary, and rho is the density of the water or the density of the liquid, whichever we will take. That is, the unit of surface tension is newton per meter, or we can define that the force per unit length is known as the surface tension. Okay, so this is the observation table which
we will in the observation table, first column is for the rise, capillary rise h in meter, that is capillary rise which we have observed from the experiment. This is the surface tension gamma g a by 2 multiplied by h, where gamma is rho is the density, g 9.81, a is the diameter. Means if we have taken 2 mm diameter tube, then we can find the cross sectional area, multiplied by h we have measured from here. So by using different tubes we can measure the value of surface tension. Finally we will take the mean value of the surface tension. Okay, so this is the first experiment. Thank you.